नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का आज आगाज हो गया। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का बनाने का संकल्प लिया था। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है कचरा मुक्त शहर, यानी शहर को कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त बनाना। टाटा संस ने घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली जीत ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया का नया मालिक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों के एक पैनल ने एयरलाइन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आने वाले दिनों में एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। कुछ सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद रानू मंडल की ऐसी किस्मत बदली कि वह मशहूर हस्ती बन गई। रानू की आवाज के लोग मुरीद हो गए और लगातार उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन है ना, कामयाबी कब किसी के हाथ से निकल जाए कहा नहीं जा सकता। एक प्यार का नगमा है गाकर फेमस हुई रानू मंडल की जिंदगी में दोबारा अंधेरा छा गया। पिछले कई महीनों से वो कहाँ है और क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। बिग बॉस 15 2 अक्टूबर को प्रसारित होने जा रहा है। टीवी के इस विवादित शो को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और फैंस इस सीजन के लिए काफी उत्साहित हैं। बिग बॉस के अब तक 14 सीजन प्रसारित हो चुके हैं और हर सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इस बार फिर सिलेबस की लिस्ट देखकर लग रहा है कि शो में जबरदस्त धमाका होने वाला है। इस सीजन में करण कुंद्रा, डोनाल्ड बेस्ट, उमर रियाज, प्रतीक सहजपाल नजर आएंगे। साथ ही जय भानुशाली के भी घर में एंट्री को लेकर खबरें आ रही हैं। प्रदेश के 33 जिलों में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इन जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसी तरह 22 जिलों में एक एक एक्टिव केस है। इस तरह अब कुल एक्टिव केस की संख्या 159 रह गई है। शुक्रवार को 24 नए मरीज मिले हैं। रायबरेली में एक संक्रमित की मौत हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अब सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। वह सोमवार से शुक्रवार तक यहीं रहेंगी। इसके संकेत उन्होंने खुद बृहस्पतिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सलाहकार समिति की बैठक में दिए। नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में न्यायालय ने 19 वर्ष बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने सजा के साथ साथ 65,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। इस पैसे से 50,000 रुपए मृतका की मां को मिलेगा। शासन स्तर पर गुपचुप तबादलों का दौर जारी है। बृहस्पतिवार देर रात 48 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें लखनऊ सहित कई जिलों से अफसरों की अदला बदली हुई। जिलों व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ही जिले में 3 वर्ष पूरा करने वाले अफसरों को इधर से उधर किया गया, जबकि कई अफसरों के तबादले निरस्त भी किए गए तो कुछ को तबादला नीति से राहत भी दी गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ताजा घटनाक्रम पंजाब का है, जहां पिछले एक सप्ताह से सियासी ड्रामा जारी है। पंजाब का असर अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी दिखने लगा है। वहीं इस बीच पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज के करीब 1 दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जल्द ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 29 से 32 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 22 से 30 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.89 रुपए जबकि डीजल का दाम 90.17 रुपए प्रति लीटर है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।